आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। चंडीगढ़ में नेशनल एयर शो, राफेल जैसे 80 एयरक्राफ्ट ने दिखाई अपनी ताकत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे गवाह। लखनऊ में कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खावरी ने संभाला कार्यभार, पूर्व अध्यक्ष लालू भी रहे मौजूद। 21 साल से पहले हो रही आधी से ज्यादा लड़कियों की शादी, गृह मंत्रालय ने जारी किया आंकड़े। श्रीनगर में फुटबॉल खेलते नजर आए अमर अब्दुल्ला फुटबॉल को अपने पैरों पर नचाते हुए गिर पड़े। दीपावली से पहले महंगी हुई सीएनजी, दिल्ली एनसीआर समेत कई शहरों में कीमत 3 रुपए बढ़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। लखनऊ में 2025 तक भारत को टीवी मुक्त बनाने पर जोर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश की सबसे वरिष्ठ चिकित्सा संस्थान केजीएमयू में यूपी टीवी सिकॉन आयोजित की 16वीं अधिवेशन में सूबे के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि टीबी रोगियों के स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हम लगातार आशा बहनों के द्वारा कार्यक्रम चलाकर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। यूपी टीवी सिकॉन 2022 का आयोजन किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के द्वारा किया जा रहा है, साथ में एरा मेडिकल यूनिवर्सिटी का भी साथ इसमें है। जो हमारी यूपी टीवी एसोसिएशन है, जिसकी सभापति माननीय राज्यपाल हैं, उस एसोसिएशन ने तय किया कि ये कार्यक्रम केजीएमयू में हमारे विभाग द्वारा कराया जाए। उसी कड़ी में 7 अक्टूबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। टीबी हमारे देश में लगभग 30 लाख है और उसमें लगभग 4 से 5 लाख लोग हर साल मृत्यु भी होती है, और हमारी सरकार बहुत अच्छा कर रही है। प्रधानमंत्री का, हमारे गवर्नर साहब का काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन अभी भी 20 से 25% टीबी के मरीज जो हैं वो प्रोग्राम से बाहर हैं। हमने यही कहा कि हम सबको मिशन मोड में काम करना होगा, जिससे हम जो भी मरीज नहीं आ पा रहे हैं उन पर हम पहुँचें और उनका इलाज करें, क्योंकि मुझे पता है कि इलाज जो है 100% इफेक्टिव है। अगर मरीज आ जाए और सरकार में सारी दवाएं मुफ्त उपलब्ध है, तो ये तो मैंने टीबी के बारे में कहा। हम 2025 तक हर स्थिति में इसको हम टीबी मुक्त प्रदेश बनाएंगे। इसके लिए हम टीबी के मरीजों को गोद ले रहे हैं, उनको पोषण सामग्री दे रहे हैं, उनको 500 रुपये प्रति माह 6 माह तक दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती ऐसे मरीजों को चिन्हित करना है, तो गांव-गांव हमारी आशा वर्कर्स और पंचायत मित्र जाकर के उनको चिन्हित कर रहे हैं, सूची बना करके संबंधित अस्पतालों में दे रहे हैं, और उनके परिजनों को भी हम चेक करा रहे हैं, उनकी भी जांच हो रही है कहीं टीबी उनके यहाँ फैला तो नहीं है, उनकी भी दवाई हम क्योर करने के लिए दे रहे हैं। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खावरी समेत सभी प्रांतीय अध्यक्षों ने कार्यभार संभाल लिया है। इस मौके पर यूपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। खावरी ने कार्यभार संभालने से पूर्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यभार संभालते ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष को गले लगाकर बधाई दी। इससे पहले कार्यभार ग्रहण करने को लेकर शुक्रवार को दिन भर पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर तैयारियां चल रही थीं। खावरी के लखनऊ की सीमा में प्रवेश करने पर उनका जगह जगह पर स्वागत किया गया। कासगंज के भुजपुरा में वर्षा का पानी गांव के अंदर घरों तक पहुंच गया। ग्रामीण वासियों को बारिश के चलते कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि किसानों की धान की सैकड़ों बीघा फसलें और सब्जियां सब पानी में डूब चुकी हैं, जिससे किसान बेमौसम बारिश से काफ़ी निराश हैं। वहीं बारिश से आई परेशानी को दूर करने के लिए किसान सरकार से अधिक मदद की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि किसानों ने लोन लेकर खेत में बुआई की और बारिश से सब कुछ फसलें तहस नहस हो गई हैं। लखनऊ में 20 अक्टूबर को होने वाले धरने से पहले प्रांतीय महामंत्री जसवंत सिंह ने रोडवेज कर्मियों को संबोधित किया।
बता दें कि रोडवेज कर्मी आगामी 20 अक्टूबर को अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर परिवहन निगम कार्यालय लखनऊ पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं धरना प्रदर्शन को लेकर सेंट्रल सीजन वर्कशॉप कर्मचारी संघ के प्रांतीय महामंत्री ने अपने कर्मचारियों को संबोधित किया और कहा कि वर्तमान समय में परिवहन निगम व स्थिति ठीक नहीं चल रही है, जो भी नया आ रहा है अपनी नई पॉलिसी ला रहा है। दिखवा रखी है कि अगर रोडवेज को जरूरत पड़ेगी तो वसूली उससे की जा सकती है, लेकिन बता दे हमको निगम प्रबंधन, कहीं लिखा है क्या कि 70% लोड फैक्टर दोगे तब रखेंगे? एक बिंदु नहीं लिखा है महोदय। इस तरीके की कार्रवाई, जो जबरदस्ती की कार्रवाई है, वो बर्दाश्त नहीं होगी, क्षम्य नहीं होगी। हम काम करते हैं, हमारे यहाँ व्यवस्थाएं हैं, चालक परिचालक जिम्मेदार परिवहन निगम को चलाने के लिए, चालक परिचालक जिम्मेदार लोड फैक्टर लाने के लिए, चालक परिचालक जिम्मेदार जो है डीजल औसत लाने के लिए, दुर्घटना बचाने के लिए। तो जब ये सारी व्यवस्थाएं हैं, अगर आय नहीं आ रही है तो डंगा मार नहीं चलनी चाहिए। क्यों नहीं चलनी चाहिए ना, तो डंगा मार तो चल रही है। हरदोई में सरंडी कोतवाली इलाके में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दो पक्षों से करीब आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिसमें इलाज के लिए हरदोई मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। इस दौरान एक पक्ष के व्यक्ति की हालत गंभीर देख लखनऊ रेफर कर दिया गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से मामला दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना सांडी पुलिस को सूचना मिली कि खेरवा अमदेवपुर गांव में दो पक्षों में मारपीट हुई है, जिसमें से एक पक्ष ओम प्रकाश तथा दूसरा सोबरन है। इनमें पुरानी आपस में मुकदमेबाजी है, इसी को लेकर मारपीट हुई है। मारपीट में ओम प्रकाश पक्ष से 3 लोग तथा सोबरन पक्ष से 3-4 लोग घायल हैं। इनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। इसमें से ओम प्रकाश पक्ष के एक व्यक्ति हैं अमरनाथ, जिनको किसी हथियार से चोट आई है, इनको बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया है। पुलिस द्वारा तहरीर प्राप्त करके उचित धाराओं में अभियोग पेश किया जा रहा है और जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। गोंडा में सरकारी कार्य में लापरवाही बरतना कोतवाल साहब को भारी पड़ गया। आपको बता दें कि लापरवाही के आरोप में पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली प्रभारी निरीक्षक को लाइन हाजिर कर दिया, जिसकी वजह से महेंद्र सिंह को कोतवाली देहात में जिम्मेदारी दी गई है। इसी के साथ ही कई चौकियों से अधीक्षकों की तैनाती भी की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार में महिला कल्याण विभाग के द्वारा संचालित बालिका गृह के संचालन के लिए काफ़ी दिनों से बजट नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से बालिका गृह जैसे तैसे चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि जब समाज सेविका ने बालिका गृह में रहने वाली 14 लड़कियों को दशहरे के बाद कपड़े के साथ ही उन्हें मिठाई और भोजन भी कराया, इस दौरान प्रबंधक ने बताया कि बजट नहीं मिलने के चलते उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ कैसे पहुंची आप लोग? पासपो। ऐसे में कितने दिन हो गए यहाँ पर रहते हुए? 4 महीने। 4 महीने से रहते हुए हो गया, और क्या यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में क्या बताएंगे? सब कुछ ठीक है यहाँ। किस तरह का माहौल मिल रहा है यहाँ पर? बहुत घर की तरह मिल रहा है। घर की तरह मिल रहा है, यानी यहाँ की जो भी अधीक्षक या अन्य जो लोग हैं वो माँ बाप की तरह आप लोग? जी। प्रीति पटेल। प्रीति जी कहाँ से आई है, कहाँ के रहने वाली है? बनारस की। यहाँ पर कैसे आना हुआ आपका? जी हम पासपो के हैं। जी पासपोर्ट के लिए। अच्छा, पासपोर्ट। ऐसे में आप यहाँ कितने दिनों से रह रही हैं? जी 2 महीने से। 2 महीने से रह रही हैं, और यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में क्या बताएंगे? सब कुछ अच्छा है यहाँ की व्यवस्थाएं, जो भी है हम लोग के जो कहते हैं वही सब होता है। चूंकि बंद हुआ था, एक घटना हो गई थी, लेकिन जब से शुरू हुआ है अब अपनी खुशी को हम इजहार नहीं कर सकते। चूंकि ये संस्था जब मैं खोला तो मेरे पास कोई बच्ची नहीं थी, तो एक दिमाग में आया कि मैं इस तरह की संस्था खोलूं, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। लेकिन 9 महीना जब बंद था तो वो पीरियड मेरे लिए बहुत ही दर्दनाक और शोचनीय था। अब सब हमको ये सब बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ का मैडम बोली कि अब बालिका लोग का भी खुल गया है, हम सोचे कि अब जाड़ा आ रहा है तो इन लोग को स्वेटर दे दीजिए, दे दिया जाए दोनों लोग को, फिर कहाँ इतना दूर फिर आना पड़ेगा, तो इन लोग के लिए लेके आए हैं। बच्चे बच्चियां बहुत खुश होते हैं, तो हमको लगता है मैं करोड़ों अरबों पा लिया एकदम।
क्योंकि द्वारा बालिका गृह द्वारा शुरू हुआ तो उनको और बालिकाओं में प्रसन्नता की लहर है। इस खबर पर हमारे साथ पवन मिश्रा मौजूद हैं। पवन, बालिका गृह के संचालन के लिए बजट नहीं मिल पा रहा था और अब जैसे तैसे उन्होंने इस बालिका गृह को दोबारा शुरू किया है, तो अब क्या स्थिति वहां पर? जनपद गाजीपुर का स्वर्गीय पूजन पाठक बालिका गृह रस्तीपुर है, जहां पर अप्रैल के पहले 9 माह तक इसके संचालन पर रोक लगा दिया गया था। वहीं अप्रैल के बाद एक बार फिर से इसका संचालन शुरू कर दिया गया है, लेकिन संचालन के बाद भी इसके लिए बजट उपलब्ध नहीं कराने की वजह से बालिका गृह में कई तरह की समस्याएं भी हैं। यहाँ की बालिकाओं ने बताया कि उन्हें इन्हें अपने घर जैसा यहाँ पर माहौल मिल रहा है। इतना ही नहीं, आज समाज सेविका के द्वारा उन लोगों के मनोरंजन के लिए टीवी भी उपलब्ध कराया गया, जिससे वह देश दुनिया से जुड़कर रहे। जी पवन, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। बदायूं में अल्लाहपुर में हुए कुछ दिनों से लगातार बारिश से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोगों का घर में निकलना मुश्किल हो गया है। गलियां तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और लगातार हो रही बारिश से आकाशीय बिजली भी गिर रही है। आपको बता दें कि बारिश की वजह से मकान पर अचानक आकाशीय बिजली गिर गई है, जिससे युवक के मकान की दीवार चटक गई। वहीं घर में रहने वाले सभी लोग सुरक्षित हैं, उनको किसी तरीके से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। कौवा बैठा था मंत्री के ऊपर, कौवे के जरिए से बिजली गिरी, हम लोग सब घर में बैठे थे, उसके हिसाब से बिजली घर में जा गई। नहीं, बिजली मतलब घर की फिटिंग जो उस वाली बिजली को, मतलब कौन सी बिजली? आसमान बिजली, मतलब कुदरती बिजली आपके? हाँ, आसमान बिजली गिरी, कुदरती बिजली। वो कौवे बैठने की वजह से घर में आ गिरी, तो कौवा खत्म हो गया कि मतलब? कौवा खत्म हो गया। बदायूं में 5 महीने पहले लापतोही मासूम बच्ची का कंकाल पुलिस ने बोरवेल से बरामद किया है। आपको बता दें कि कंकाल नुमा शव को 50 फीट गहरे बोरवेल से पुलिस ने निकाला है। वहीं मासूम व हत्या कर शव को बोरवेल में फेंक दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने वारदात में शामिल आरोपी युवक को और उसके साथियों को हिरासत में ले लिया है। बोरवेल से मिले शव के अवशेषों को पोस्टमार्टम और डीएनए जाँच के लिए सैंपलिंग भेज दिया गया है। दीप ने हमारी लड़की को उठा के ले गया और वो अपने घर को ले गया था। कुछ लोगों ने हमें बताया था कि लड़की को ये ले गया है। उसके बाद में हमने तहरीर वगैरह दी, सब काम करे, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब जाके 5 महीने बाद हमारी बच्ची बरामद हुई है, बॉडी बरामद हुई है उसकी। कहाँ मिली बॉडी? ये गांव के बाहर सरकारी ट्यूबवेल था। जनपद बदायूं के थाना झानी के अंतर्गत एक 3-4 साल की बालिका हरहर पुर से गायब हो गई थी, जिसका थाना उधारी को लिखा गया था। इस बालिका की तलाश के लिए हमारी टीमें लगातार प्रयासरत थी और इस इन्वेस्टिगेशन को बहुत ही दिनों से इसमें तलाश की जा रही थी। ये उधारी के इंस्पेक्टर और हमारी एस ओ जी की टीम और सभी क्षेत्राधिकारी सभी अधिकारियों ने मिलकर के इसमें अच्छा प्रयास किया और लगभग 5 महीने बाद इसका खुलासा हुआ है। इस पूरी टीम को संवर्धन के लिए हमारी तरफ से 10,000 रुपये कैश अवार्ड दिए जाएंगे। हरदोई में गांव मुजाहिदपुर निवासी युवक अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले थे। आपको बता दें कि सभी लोग वहां का आनंद ले रहे थे, इसी बीच किशोरी का झरना में पैर फिसलने से किशोरी लापता हो गई। परिजनों ने पुलिस की मदद ली, लेकिन झरने के बाद हजारों मीटर की खाई में बहकर किशोरी कहां गई इसका कुछ भी पता नहीं चल सका। घटना में कुछ देर पहले ही फोटो और वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किसी तरह से पूरा परिवार घाटी पर बह रहे झरने का आनंद ले रहा था और एक पल में ही सब ये इतना बड़ा हादसा हो गया। लखनऊ में चिकित्सा स्वास्थ्य महासंघ ने पदाधिकारियों के साथ मिलकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सलाहकार अश्वनीश अवस्थी को बधाई दी। आपको बता दें कि चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में बेहतर सेवाएं और आम जनता को कैसे मिल सके, इस पर चर्चा की गई है। वहीं सलाहकार ने बताया कि आप लोगों की तरफ से जो सुझाव हो उसको हमें बताएं और समय समय पर चिकित्सा स्वास्थ्य व्यवस्था में जो भी ज़रूरत हो उससे अब हमें अवगत कराएं। उन्होंने रिक्त पदों पर से लैब टेक्नीशियन के जितने भी पद रिक्त हैं उनको अतिशीघ्र भरवाने के लिए भी आश्वासन दिया। साथ ही चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में दवाओं की उपलब्धता पर भी चर्चा की गई।
मैनपी पुलिस ने बेवर थाना क्षेत्र के खिरिया में हुई किसान की हत्या में नया खुलासा किया है। साथ ही पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले दो अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने तमंचा और कारतूस भी बरामद किया। तो वहीं अब पुलिस आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई में जुट गई है। हत्या कर दी गई थी गोली मार करके। इस संबंध में मृतक की पत्नी के तहरीर के आधार पर चार व्यक्तियों को नामजद किया गया था, इसमें से तीन लोगों को जेल भेज दिया गया, किंतु उसके पश्चात धीरे धीरे ये साक्ष्य मिलता रहा कि इसमें जो नामित हैं ये वास्तविक अभियुक्त न होकर के किन्हीं और के द्वारा ये हत्या की गई है। इस संबंध में दो व्यक्ति करू उर्फ सुबोध और जेपी उर्फ शिवम इस संबंध में गिरफ्तार हुए हैं। उनके द्वारा आला कत्ल भी बरामद किया गया है। बेसिकली इनके द्वारा ये हत्या की गई थी और इनके द्वारा ही उसके बाद घटनास्थल के आसपास जाम लगवाया गया था और साथ ही फर्जी नामजदगी कराई गई थी। तो संपूर्ण तथ्यों का खुलासा हो गया है और ये दोनों ही अभियुक्त जेल भेजे जा रहे हैं। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मैनपुरी पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आरक्षण को लेकर कहा कि 72 घंटे में आरक्षण देने की बात की जा रही है तो फिर आरक्षण क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो वहीं सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव को लेकर कहा कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों क्योंकि उनको देश की जरूरत है। कहा 2024 में सरकार तो बनेगी लेकिन सरकार गठबंधन से बनेगी जिसका अभी कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि आखिर गठबंधन किससे करना है। कहा अगर बहुजन समाज पार्टी के बात करें तो 4.5 साल की सरकार में बहुजन समाज पार्टी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा जिसे जनता याद कर रही है। अगर कांग्रेस से बात करें तो कांग्रेस ने महंगाई के अलावा जनता को कुछ नहीं दिया जिसकी जरूरत अब जनता को थी। देखिए 25 करोड़ आबादी में हम जनता से गठबंधन के लिए घूम रहे हैं। आज आप देख लीजिए आपके सामने ये लोग आए हुए लोग हैं। आज उठा के देखिए कि पूरे प्रदेश में अगर बात करें तो अहिर गड़ेरी कुंडी कोयरी भर चमार मुसर धोबी खटिक पाथी केवट दीन मला दुल्हा दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गोण खरवार भूमिहार बिहार आरक अर्कवंशी बंजारा भैया कंगार हर जाति में गरीब हैं। अगर नाई की बात करें 1471 थाने हैं। कश्यप की बात करें, पाल प्रजापति की बात करें, बिंद की बात करें, आरक ब्रगवंशी बंजारा बहेलिया खंघार की बात करें, ये कहाँ दिखाई देते हैं। इनको हम जगा रहे हैं कि जागो तभी सभी रहें, आप सावधान हो जाओ, अपनी गिनती कराओ, जब तक जातिवाद जनगणना तुम्हारी नहीं होगी तब तक देश की राजनीति में तुमको हिस्सा नहीं मिलेगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार।